हाय, आई एम डॉक्टर पी के तलवार, कॉस्मेटिक सर्जन न्यू दिल्ली, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ। प्रीवियसली आई वॉज अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स, एंड नाउ आई एम रनिंग माई ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है कि नहीं। इस बारे में हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं तो जो इम्प्लांट है वो हम लोग ब्रेस्ट के पीछे डालते हैं। अगर जैसे आपका ये ब्रेस्ट टिश्यू है तो ब्रेस्ट के नीचे या पीछे की तरफ हम इम्प्लांट डालते हैं ताकि ब्रेस्ट और आगे आ जाती है, और या हम ब्रेस्ट के नीचे जो मसल है उसके भी नीचे डालते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ब्रेस्ट के नीचे इम्प्लांट डाले जाते हैं, इसमें ब्रेस्ट के टिश्यू या उनकी जो दूध की नलियां होती हैं इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है। अब अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है तो वो उसको उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है दूध की नलियां और निप्पल जहाँ से वो दूध पिला रही है। तो ऐसे कैसे जब हमने ब्रेस्ट को ऑगमेंट कर दिया है तो इससे उसके दूध पिलाने की क्षमता में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और वो माँ आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। हमारे ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के, वो अनमेरिड लड़कियाँ आती हैं आपको जान नेचुरली, क्योंकि उनको ब्रेस्ट कम है और उनको अपने मन में एक तरह की हीन भावना होती है। तो अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी तो शायद वो ये सर्जरी भी ना कराएं। लेकिन अगर आप कुंवारी हैं, अगर आपको शादी की उम्र की हो गई हैं और आपको ये शंका है कि आप शादी के बाद बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी, तो आप इससे बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए और अपने जो कॉस्मेटिक सर्जन संपर्क करें और बेहिचक होकर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी कराइए। आपको भविष्य में किसी भी तरह की, चाहे वो आपकी प्राइवेट लाइफ है या बच्चे को दूध पिलाने की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ये मेडिकल साइंस का एक वरदान है जो हमारी कुंवारी बेटियां हैं उनके लिए है, और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इस बारे में, आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप हमारी टीम से ज़रूर संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।